गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिरोजी सेक्शन में आप लोग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में मैंने आप लोगों को कई बातें बताया था कि व्हाट इज एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। वहां पर दो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आए थे टाइप्स आपको जो आप लोगों ने बता रहा था। एक आया था प्रेसिपिटेशन और दूसरा एलुमिनेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मैंने वहां डिफिनेशन बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में, और एलुमिनेशन का भी मैंने आप लोगों को डिफिनेशन दे दिया था और बताया था कि इसकी जो मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म और कैसे प्रोसेस करेंगे ये रिएक्शंस, वो आगे मिलेगा। सो आज से आप लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी तक आप डिफिनेशन था, लेकिन यहां पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप लोगों को डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि कैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, हमें मैकेनिज्म इसका क्या है, किस तरीके से इसका अगर हम करो एक प्लॉट करो बनाए या बैकग्राउंड अगर हम देते हैं करो की बातें जो उनकी बात, तो कैसे ये प्लॉट होता है वो आपको डायग्राम मिलेगा। सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम में कैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब होता है तो जोन फेनोमेना, जोन कैसे बनते हैं, अभी जोन इसमें वर्ड पड़ा हुआ है, जोन कैसे बनते हैं या जोन फेनोमेना क्या होता है, और प्रेसिपिटेशन टेस्ट कौन कौन से होते हैं। लैब में जो आप लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे उनमें है आप लोगों का रिंग टेस्ट। ये मैं इसके पहले भी बताया था कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का जो टाइप्स आप लोग बता रहे थे, तो हमने बताया था कि रिंग टेस्ट, प्रोपलेशन ये मिलेंगे। तो दो टेस्ट आप लोगों के सिलेबस में है, एक रिंग टेस्ट पढ़ना है, साइड प्रोपलेशन टेस्ट पढ़ना है, रिंग टेस्ट पढ़ना है, दूसरा स्लाइड प्रोपलेशन टेस्ट पढ़ना है, जिनमें आप लोगों को वीडीआरएल वीडीआरएल टेस्ट डिटेल में पढ़ना है। इससे पहले भी वीडीआरएल टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात बताया हूं, यहां आप लोग उसको डिटेल पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, कैसे उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे, कैसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। पिछला लेक्चर से अगर आप लोगों को याद होगा तो वहां मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में टाइप्स बताया था, तो उसी में एक आया था जेट डिफ्यूजन वगैरह की बातें, तो इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। तो आप लोगों को प्रेसिपिटेशन तीन टेस्ट पढ़ने हैं, रिंग टेस्ट, उसके बाद वीडीआरएल टेस्ट, और फिर पढ़ना है आप लोगों को रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। ये तीन टेस्ट पढ़ने हैं। इन तीनों टेस्ट को जानने से पहले आप लोगों को यह पढ़ना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेशन होता कैसे है और कैसे इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। जब तक इसका मैकेनिज्म नहीं जानेंगे आप लोग रिएक्शन को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले इसको हमें आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कि मैकेनिज्म कैसे होता है, इसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का डिफिनेशन आप लोगों को पहले भी मालूम है, थोड़ी सी दो लाइनें डिफिनेशन रहेगा, उसके बाद फिर आप लोग इसका जो फेनोमेना ये आप लोग डायग्राम्स आपको बनाना है, इससे आपको क्लियर होगा कि प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता कैसे है। और ये है आप लोगों का मेन जोन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी प्रेसिपिटेशन कर्व। जो प्रेसिपिटेशन का जो कर्व होता है, जो मेन जोन कौन कौन से जोन बनते हैं, जो टॉपिक है आप लोगों का जोन फेनोमेना, वो यहां क्लियर होगा कैसे जोन परफॉर्म होते हैं। ओके, तो स्केच रहेगा आप लोगों का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का डिफिनेशन मैंने आपको बताया था, व्हेन अ सॉल्युबल एंटीजन, क्या था बताया थे, व्हेन अ सॉल्युबल एंटीजन रिएक्ट विथ इट्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इससे पहले भी लेक्चर में आप लोगों की वर्ड लिखवा चुका हूं, तो यहां आप लोगों को डिफिनेशन लिखने का समय याद रहना चाहिए आप लोगों को क्या था। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में मैंने क्या बताया था कि व्हेन अ सॉल्युबल एंटीजन, ध्यान दीजिएगा सॉल्युबल एंटीजन, एंटीजन कैसा हो आपका सॉल्युबल एंटीजन हो, व्हेन अ सॉल्युबल एंटीजन। ओके, फिर क्या था, रिएक्ट विथ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ये किसके साथ रिएक्ट होता हो, स्पेसिफिक एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी मैं वहां बता भी चुका हूं इसके पहले, स्पेसिफिक एंटीबॉडी किसके प्रेजेंस में,
इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये एंटीजन हुआ, ये एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करते हैं किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइट। क्या दिया था, NaCl। इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं ये लोग, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। डिफिनेशन याद होगा आप लोगों को, ये बताया था एंटीजन एंटीबॉडी क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन किस पर होता था, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। तो टेम्परेचर कितना बताया था 37 डिग्री सेंटीग्रेड और पीएच कितना बताया था 7.4। मैं इससे पहले भी लेक्चर में आपको बताया हूँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए क्या होते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, ऑप्टिमम पीएच कितना होता है। यहाँ क्या ध्यान देना है कि व्हेन द एनी सॉल्युबल एंटीजन रिएक्ट विथ द स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड और क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पर ये क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं, देन फॉर्म द क्या बनाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, आई मीन ये रिएक्शन होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है जो क्या बनाता है, फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जो क्या होता है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ओके, इसी को अगर हम इस रिएक्शन को वहां समझे कैसे होता है, मैंने क्या बताया कि व्हेन द सॉल्युबल एंटीजन, ध्यान दो ये ओवरऑल कोई फ्लूइड था, इस ओवरऑल फ्लूइड में हमने क्या मिला है, सॉल्युबल एंटीजन इन फ्लूइड, फ्लूइड में सॉल्युबल एंटीजन लिया या फ्लूइड में सॉल्युबल एंटीजन है। अब एंटीजन के रूप में मैंने आपको क्या बताया था, क्या प्रेजेंट होता है, ये भी आप लोगों को मालूम है। इसके बाद एंटीबॉडी इन एंटी सीरम, ध्यान देना इसके बाद हमने क्या मिलाया, एंटीबॉडी इन एंटी सीरम। ये एंटी सीरम जैसे लोगों को मिक्स करते हैं, मतलब ये एंटी स्पेसिफिक सॉल्युबल एंटीजन इस एंटीबॉडी में मिक्स होगा, ये हमारा आपका कहां प्रेजेंट होगा, सीरम, ये हमारा आपका एंटी एंटीजन इसको बोलते हैं, ये हमने इसको मिक्स किया। जैसे मिक्स करते हैं तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का एक लाइन जनरेट होता है। देखो ये मैंने इसको ब्लू ब्लैक कलर से यहां पर ड्रॉ कर दिया था कि प्रेसिपिटेशन का एक लाइन दिखता है, और प्रेसिपिटेशन इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कैसे होता है, ट्यूब में मैंने यहां इससे पहले लेक्चर्स में मैंने वहां आप लोगों को दिया था इस तरीके से कि सॉल्युबल इसमें यहां पर इस तरीके से एंटीबॉडी या सीरम है, हमने इसमें एंटी सीरम मिलाया, जैसे मिलाते हैं इसमें और इसके साथ क्या होता है रिएक्शन होता है, और यही नीचे मैंने इस तरीके से क्या बताया था प्रेसिपिटेशन होना। तो याद रखना कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है कि व्हेन द सॉल्युबल एंटीजन रिएक्ट विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर देन द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या करता है भाई, गिव्स द प्रेसिपिटेट, ये क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, फॉर्म इन द प्रेसिपिटेट। ओके, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में क्या होते हैं, ये चेंज होते हैं। उसके बाद मैंने उसमें और भी दिया था कि इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं कि व्हेन द प्रेसिपिटेट रिमेन्स सस्पेंडेड इन स्टेट ऑफ द सेडिमेंटरी, मतलब जब उसको सस्पेंडेड किया जाता है, मतलब उसको मिक्स किया जाता है, तो ये क्या होता है, सेडिमेंट एक कलेक्ट हो जाते हैं जगह पर एंड रिएक्शन स्टार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन। मैं ये भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि फ्लोकुलेशन के केसेस क्या आते हैं, कि कैसे फ्लोकुलेट होते हैं एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी अगर लिक्विड मीडियम आर सेमी सॉलिड, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसमें पाया जाता है, लिक्विड मीडियम में अथवा सेमी सॉलिड की बात मैंने वहां बताया था, जो जेल की बात बताया, जो जेल डिफ्यूजन पढ़ाया आप लोगों ने, तो जेल में रिएक्शन होता है तो प्रेसिपिटेशन अपर्स इन द स्पेसिफिकली किसमें होता है, सबसे पहले तो आपका लिक्विड में होता है, या दूसरा किसमें होता है आप लोगों का, जेल की बात करते हैं या फिर सेमी सॉलिड, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अपर्स इन द लिक्विड मीडियम एंड जेल मीडियम। ओके, या सेमी सॉलिड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिक्विड मीडियम में और सेमी सॉलिड मीडियम में क्या होता है, परफॉर्मिंग होता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो एक टॉपिक आया था आप लोगों का कि प्रेसिपिटेशन इन द किसमें, लिक्विड मीडियम। तो जो आप लोगों को अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो आप लोगों को पढ़ना है वो यहीं से पढ़ना है।
मैं डिफिनेशन लिख पाया नहीं आप लोगों को, क्योंकि डिफिनेशन आपको इससे पहले मैं दे चुका हूं। यू वन इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हमने डिफिनेशन अभी भी समझाया, बहुत ही डिटेल में है। हमेशा याद रखना कि सॉल्युबल एंटीजन रिएक्ट विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर मेक्स द क्या बनाते हैं लोग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्म्स, और वो क्या होता है इनटू किसमें प्रेसिपिटेट, किस में बदल जाते हैं प्रेसिपिटेट। मोस्टली दिस रिएक्शन अकर्स इन किसमें पाया जाता है, लिक्विड मीडियम एंड सेमी सॉलिड मीडियम। ओके, तो जो टॉपिक है आप लोगों का अब ये है कि क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन, तो वहां पर पढ़ा था आप लोगों ने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन इन लिक्विड मीडियम, ओके, या मीडियम कर सकते हैं लिक्विड मीडियम। ये आप लोगों के टॉपिक है कि क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस इन लिक्विड मीडियम, इसको इसे लिख सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन लिक्विड मीडियम या प्रेसिपिटेशन इन द लिक्विड मीडियम। कैसे ये होता है इसका नोट कर लीजिए आप लोग। एंटीजन एंड एंटीबॉडी कंबाइन इन वेरी बृहद रूप से होता है, वेरी ओके, वेरी प्रोपोर्शन। आनी हम इसकी अगर बात करें तो एक बृहद से कई प्रोपोर्शन अनुपात में होता है, एंटीजन एंटीबॉडी जो कंबाइन होते हैं, ठीक है ना, वेरी प्रोपोर्शन एक कई अनुपात में कर सकते हैं, एक बृहद मतलब बड़े कई बड़े अनुपात में लोग क्या होते हैं आपस में जुड़ते हैं, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे जुड़ते हैं भी आगे आपको बताते हैं। एक बृहद रूप से एक बड़े अनुपात के रूप में लोग क्या होते हैं जुड़ते हैं, वेन सेम अमाउंट ऑफ, अब ध्यान से समझना इसके आगे, वेन सेम अमाउंट ऑफ एंटी सीरम इज मेज, वेन सेम अमाउंट ऑफ एंटी सीरम इज मेज, ठीक, मेज विथ इंक्रीजिंग विथ मिस विथ इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग अमाउंट्स ऑफ corresponding pure soluble antigen, pure soluble antigen in test tube, antigen in test tube, okay, when the result प्रेसिपिटेशन जैसे मिलाकर क्या होता है प्रेसिपिटेशन अकर्स होता है मोस्ट रैपिडली, मोस्ट बहुत तेजी से, मोस्ट रैपिडली एंड एबंडेंटली
directly in middle. इसको नोट कीजिए, फिर आपको उनको बताते हैं इन मिडिल क्यों. When the results are plotted in curve, किसमें प्लॉट करते हैं, curve, इन curve, थ्री जोन थ्री जोन ऑब्जर्व एक ध्यान दीजिए. मैंने आपको क्या बताया कि एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन इन वेरिंग प्रोपोर्शन. ध्यान देना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एंटीजन और एंटीबॉडी जो कंबाइन होते हैं उनका वेरिंग प्रोपोर्शन होता है. वृहद प्रोपोर्शन में हम बात करते कई 10, 20, अभी ये डायग्राम्स भी यहाँ पर है 10, 20, 40, 60, 80 और इधर ये बातें. तो कई प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, अनुपात उसको मिक्स करते हैं या रिएक्शन करते जुड़ते हैं. जब सेम अमाउंट, ध्यान देना, वेन सेम अमाउंट ऑफ एंटी सीरम, मतलब उसी के सेम अमाउंट वाला एंटी सीरम इज मिक्स्ड, किसमें मिक्स करते हैं, मिक्स्ड करते हैं विथ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ करेस्पॉन्डिंग प्योर सॉल्युबल एंटीजन. जैसे मिक्स करते हैं वैसे ही सॉल्युबल एंटीजन का अमाउंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. किसमें, टेस्ट ट्यूब में. जब ट्यूब में पहले से ही एंटीजन प्रेजेंट है, हमने उसी का एंटीजन और मिलाया तो उसकी अमाउंट ज्यादा हुआ. जैसे अमाउंट ज्यादा होता है प्रेसिपिटेशन अकर्स, क्या होता है, प्रेसिपिटेशन प्रेजेंट होगा मोस्ट रैपिडली, बहुत तेजी से, एंड एविडेंटली इन मिडिल ट्यूब. खास करके मिडिल ट्यूब में, अभी मैं आपको तीन ट्यूब दूंगा, ऊपर स्ट्रक्चर ये पूरी ऐसे समझ जाएगा. व्हेन द रिजल्ट्स आर प्लॉटेड, और इसी रिजल्ट को जब प्लॉट करते हैं तो इस कर्व के रूप में, इस कर्व को हमको तीन जोन बनता है. ध्यान देना इसमें, तीन क्यूब लेते हैं हम लोग, सपोज ये कोई एंटीजन, ये है एंटीबॉडी,
ट्यूब नंबर ए, ट्यूब नंबर बी एंड ट्यूब नंबर सी। एंटीबॉडी एंटीजन रेशियो जिनमें ये 16:4 मतलब 1:4 सॉरी 4:1 एंड 1.5:1 और वो आ जाएगा आपका 1:2। इसमें अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिक्विड मीडियम की बात करते हैं तो यहां हमने तीन ट्यूब लिया, तीनों ट्यूबों में मैंने रिएक्शन लिख रहा है, एंटीजन है और एंटीबॉडी है, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये रेशियो है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी ये चार संबंध है, ए अभी 4:1 1.1 एंड 1:2 इस तरीके से करके है। इसमें अगर हम देखें ये आप लोग बना लिए होंगे तो मैं यहां बाद में दे दूंगा आप लोगों को, इसमें थोड़ा सा देखिए इसमें क्या है, एंटीबॉडी एक्सेस, एंटीबॉडी की एक्सेस है तो क्या होगा स्मॉल एग्रीगेशन, क्या होगा स्मॉल स्मॉल एग्रीगेशन जिन्हों हम लोग बोलते हैं मिनिमल प्रेसिपिटेट, क्या बोलते हैं इसको मिनिमल प्रेसिपिटेट। ओके, दूसरा वाला जो होता है ये ऑप्टिमल होता है, ये क्या होता है आपका ऑप्टिमल, जिसको ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑप्टिमल प्रोपोर्शन में है, ये किसमें है ये एंटीबॉडी एक्सेस है इसमें ऑप्टिमल प्रोपोर्शन, ऑप्टिमल प्रोपोर्शन में है तो लार्ज एग्रीगेट से होगा, इसमें क्या होगा लार्ज एग्रीगेट्स, इनका एग्रीगेशन लार्ज होगा और प्रेसिपिटेट कैसे होंगे हैवी हैवी प्रेसिपिटेट। ओके, थर्ड वाले की हम बात करते हैं, इसमें क्या एक्सेस है देखोगे तो एंटीजन, क्या एक्सेस है एंटीजन एक्सेस, एंटीजन का एक्सेस है तो स्मॉल एग्रीगेट्स होगा, फिर से यही बात है क्या होगा आपका स्मॉल एग्रीगेट्स होगा और मिनिमल या मिनिमम कर सकते हैं मिनिमम प्रेसिपिटेशन, ठीक है मिनिमम प्रेसिपिटेशन। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इसके अकॉर्डिंग में चलेंगे तो यहां पर दो बातें पहले ध्यान दीजिएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन इन वेरिंग प्रोपोर्शन, कई प्रोपोर्शन में हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी को रिएक्ट कराए हैं जोड़े हैं, देखो जैसे यहां 4:1 1.5:1 और 1:2। ओके, मेक सेम अमाउंट ऑफ एंटी सीरम इन मेज विथ, जैसे एक ट्यूब है एंटीजन एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट थे, सेम अमाउंट ऑफ द ध्यान देना मीन सेम अमाउंट ऑफ एंटी सीरम इज मीन सेम अमाउंट एंटी सीरम मिक्स करते हैं मिक्स विथ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ, देखो जैसे मिलाते हैं इज मिक्स विथ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ करेस्पॉन्डिंग प्योर सॉल्युबल एंटीजन, जो प्योर सॉल्युबल एंटीजन होता है उसका अमाउंट क्या हुआ इंक्रीज हुआ, जब वो इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है भाई एंटीजन टेस्ट ट्यूब
प्रेसिपिटेशन अकर्स, क्या होता है प्रेसिपिटेशन पाया जाता है। ओके, मोस्ट रैपिडली एंड एविडेंटली इन मिडिल ट्यूब, अगर इन तीनों में देखें तो सबसे मोस्ट सबसे तेजी से किसमें होता है, जब ऑप्टिमल प्रपोर्शन होता है। ध्यान देना कि एंटीसीरम हमने मिलाया और सीरम में जो एंटीजन था उसका अगर अमाउंट कम है, ध्यान देना जैसे कि यहां इसमें एक्सेस क्या था एंटीबॉडी, इसमें एक्सेस किसका है एंटीबॉडी की, एक्सेस ज्यादा है लेकिन एंटीजन की मात्रा कम है, कब मिक्स करने के बाद भी, एंटी सीरम मिक्स करने के बाद या एंटीजन मिक्स करने के बाद भी एंटीबॉडी एक्सेस में है तो क्या प्रेसिपिटेशन वैल्यू से होगा, नहीं। देखो एंटीबॉडी एक्सेस, जब एंटीबॉडी एक्सेस होता तो स्मॉल एग्रीगेशन, एग्रीगेशन कैसा होता है स्मॉल, तो स्मॉल एग्रीगेशन या स्मॉल एग्रीगेट मिनिमम प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेशन होगा वो कैसा होता है आपका मिनिमम या मिनिमल, मिनिमल प्रेसिपिटेट होता है, मतलब मैक्सिमम नहीं होता मिनिमल हो जाता है। ओके, ये सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है, कब जब ऑप्टिमम प्रपोर्शन की बात किया जाए, देखो समथिंग इक्वल के केस में है 1.5:1 एंटीजन और एंटीबॉडी, यहां क्या था ये किसकी बात का ग्रहण करें एंटीबॉडी और एंटीजन, इसमें किसकी बात है, देखो अगर 4 पार्ट एंटीजन एंटीबॉडी कितना हो जाए 4 पार्ट, एंटीजन कितना था केवल 1 पार्ट, तो 4 पार्ट एंड 1 पार्ट अगर इनका जो रिएक्शन होगा तो एक्सेस किसका होगा एंटीबॉडी का, तो क्या ये रिएक्शन वेल प्रेसिपिटेशन वेल होगा, नो मैक्सिमम नहीं होगा, क्या हो जाएगा मिनिमल हो जाएगा। क्लियर हुआ ना कि व्हेन द रेशियो बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज डिफरेंट, दोनों क्या हो बहुत ही डिफरेंट वेरिंग हो, तो क्या केस मिलेगा, जैसे एंटीबॉडी और एंटीजन था 4:1 था, 4 पार्ट एंटीबॉडी 1 पार्ट एंटीजन, तो मिक्स करने के बाद एंटीसीरम मिक्स करने के बाद भी एंटीबॉडी की मात्रा क्या है ज्यादा, क्वांटिटी किसकी ज्यादा अमाउंट किसका ज्यादा है एंटीबॉडी का, तो प्रेसिपिटेशन कैसा होगा स्मॉल एग्रीगेशन, क्योंकि एंटीबॉडी एक्सेस है एग्रीगेशन कम होगा तो प्रेसिपिटेशन भी लो हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरे ट्यूब की बात यहां पर यह है, इसमें जो है 1.5 एंटीबॉडी है तो 1 क्या है एंटीजन है, मतलब व्हेन द मिक्स, देखो एंटी सीरम इज मिक्स विद द, जब उसको मिक्स कर देते हैं ट्यूब में एंटी सीरम मिक्स किया देन जो उस ट्यूब में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम अमाउंट में आ जाए, ये सबसे मोस्ट होता है प्रेसिपिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है कि सेम अमाउंट ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी अगर है, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम अमाउंट में या सेम रेशियो में है देन द एग्रीगेशन लार्ज होगा। देखो जैसे यहां 1.5 एंड 1 समथिंग सेम, समथिंग लगभग बराबर आ रहे हैं, तो ऐसे केस में ये ऑप्टिमम क्या है ऑप्टिमल प्रपोर्शन, प्रपोर्शन कैसा ऑप्टिमम है फेवरेबल प्रपोर्शन, फेवरेबल अनुपात है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्या होता है ज्यादा होता है, तो लार्ज एग्रीगेशन इनका एग्रीगेशन आपस में संयुग्मन क्या होगा ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा लोग आपस में कनेक्टेड होंगे और प्रेसिपिटेशन भी कैसा होगा हैवी होगा। क्लियर हुआ, एक तीसरा हम देखते हैं थर्ड नंबर में, यहां रेशियो कितना लिए है 1:2 कौन एक्सेस हुआ, यह है एंटीबॉडी यह है एंटीजन, यहां कौन एक्सेस हुआ भाई एंटीजन एक्सेस, एक्सेस कौन हुआ एंटीजन, अगर एंटीजन एक्सेस है तो क्या एग्रीगेशन होगा नो होगा भी तो बहुत ही स्मॉल, क्योंकि उसमें से कुछ ही एंटीबॉडी उसको क्या कहेंगे बाइंडिंग होंगे, कुछ एंटीबॉडी उससे बाइंड होंगे, तो एंटीजन एक्सेस है एग्रीगेशन क्या होगा कम होगा स्मॉल होगा, तो कैसा प्रेसिपिटेशन देगा भाई मिनिमम प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन कैसा होगा मिनिमल प्रेसिपिटेशन होगा। क्लियर हुआ, व्हेन द एक्सेस अमाउंट ऑफ द एंटीजन देन द रिएक्शन कैसा हो जाएगा लो हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन कैसा होगा लो होगा। ओके, अब इसी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम लोगों ने क्या किया कि देखो व्हेन द रिजल्ट्स आर प्लॉटेड इन कर्व, इन तीनों रिएक्शंस जो हो रहे हैं इनको हम एक प्लॉट एक कर्व के रूप में अगर डिपेंडेंट करते
करते हैं तो यहां पर तीन जोन दिखाई देते हैं। यहां पर कितने जोन दिखाई देगा? तीन, ए बी सी। ओके, ये तीन जोन दिखाई देते हैं। आर प्लॉटेड इन द कर्व थ्री जोन ऑफ जोन, यहां पर तीन जोन दिखाई देते हैं। इन्हीं तीनों जोन के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पढ़ना है। फिर से ये आप लोग नोट करिए कि लिक्विड मीडियम में क्या होता है, जब एंटी सीरम एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन इन वेरिंग प्रपोर्शन वेन द सेम अमाउंट ऑफ एंटी सीरम इज मिक्स विद इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ करेस्पॉन्डिंग प्योर सॉल्युबल एंटीजन इन टेस्ट ट्यूब, प्रेसिपिटेशन अकर्स मोस्ट रैपिडली एंड एविडेंटली इन मिडिल ट्यूब। देखो मिडिल ट्यूब में सबसे तेज होगा। वेन द रिजल्ट, अब इस ओवरऑल रिजल्ट को क्या करते हैं, प्लॉटेड इन द कर्व, कर्व को जब प्लॉट करते हैं तो तीन जोन दिखाई देते हैं। वो ये तीनों जोन यहाँ पर है, ठीक, तीन जोन हमें आपको दिखाई दिया। अब उन्हें तीन जोन के बारे में आप लोगों को स्टडी करना है, जो कि आपके सिलेबस में नोटेड भी है, जोन फेनोमेना। ये जोन कैसे बनते हैं ये आपने देख लिया, नोट किया कैसे ये बन रहा है, किस तरीके से रिएक्शन होता है, रेशियो कब किसका कम ज्यादा होता है, कैसे जोन बन रहा है। ओके, हाँ, इस डायग्राम के नीचे आप लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा बाहर रहेगा, एंटीबॉडी एंटीजन रेशियो है, ये 16:4 इस मतलब 4:1 के केस में है, ये 12:8 1:5:1, ये 4:8 1:2। ओके, इस ओवरऑल रिएक्शन में देखते हैं तो कौन एक्सेस होता है, ये है एंटीबॉडी एक्सेस। एंटीबॉडी एक्सेस हुआ तो नीचे क्या लिखा है, स्मॉल एग्रीगेशन। क्या होगा? स्मॉल एग्रीगेशन होगा तो मिनिमम या मिनिमल प्रेसिपिटेशन होगा। ये क्या हो गया? मिनिमल प्रेसिपिटेशन। ठीक इसी तरह से ये ऑप्टिमल प्रोपोर्शन है, लार्ज एग्रीगेट्स होगा, हैवी प्रेसिपिटेट होगा। ये क्या है, देखो इसमें क्या है, एंटीजन एक्सेस है, एंटीजन एक्सेस है, स्मॉल एग्रीगेट्स और मिनिमल प्रपोर्शन की बात आएगा या मिनिमल प्रेसिपिटेट की बात आएगा। ओके, ये आप लोगों का डायग्राम था जिसमें यहां पर क्या था आपका एंटीबॉडी एक्सेस और यहां पर क्या था आपका एंटीजन एक्सेस, ये तीनों उसी का डायग्राम से एंटीजन एक्सेस। ठीक, अब इस जोन में ध्यान देना, ओवरऑल इस जोन में जो पहला जोन मिलेगा ए नंबर नोट करिएगा, और जोन ऑफ एंटीबॉडी, अ जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस, तीन जोन बनते हैं। पहले जोन में क्या होता है, अ जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस इन विच, ठीक है, यहां पर ए लिखेंगे जिससे कि समझ में आए कि ये वाला है, इन विच एंड अनकंबाइंड, इन विच अनकंबाइंड एंटीबॉडी, अनकंबाइंड एंटीबॉडी इज प्रेजेंट। भाई पहले मैंने बताया था कि इसमें जो रेशियो था 4:1 का था, किसकी किसकी रेशियो ज्यादा है, नहीं कौन किसका अमाउंट ज्यादा है एंटीबॉडी का। अब चार एंटीबॉडी तो एक एंटीजन, तो श्योर सी बात है जब वो लोग बाइंड करेंगे तो एक्सेस कौन हो जाएगा, एंटीबॉडी। तो पहला जोन जो बनता है और जोन ऑफ ए बी, हम ए जोन की बात करें, इनमें किसमें एक्सेस होता है एंटीबॉडी का, इन विच जिनमें क्या होता है भाई अनकंबाइंड एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो पहला जोन बनता है जोन ए, उसमें क्या एक्सेस होता है एंटीबॉडी। क्यों एक्सेस होते हैं, क्योंकि टोटल एंटीबॉडी एंटीजन से कंबाइंड नहीं होते तो एक्सेस हो जाता है। चलिए ठीक है, अनकंबाइंड है। बी में क्या हो रहा है, बी केस में और जोन ऑफ इक्विवेलेंस, ध्यान देना ये क्या हुआ, एंटीबॉडी एक्सेस, एंटीबॉडी एक्सेस यानी जोन नंबर ए, जोन ए में एंटीबॉडी एक्सेस है, एक्सेस होने की वजह से टोटल एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड नहीं होते।
ओके, तो कैसा प्रेसिपिटेशन कैसा होगा? मिनिमम होगा, मैंने इससे पहले बोल दिया कि मिनिमम प्रेसिपिटेशन होगा। दूसरा जो जोन होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस, इक्वी, ठीक है, इक्विवेलेंस जोन। ये क्या होता है आपका, इक्विवेलेंस जोन की बात करते हैं। तो इक्विवेलेंस जोन में अगर हम देखें क्या मिलेगा इसको, बी में अ जोन ऑफ जोन ऑफ इक्विवेलेंस, ओके, किसमें है, बी में, इन विच, इनमें क्या हो रहा है भाई, इन विच बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्या हो रहे हैं, सिमिलर, बोथ आर कंप्लीटली, एंटीजन, बोथ एंटीजन एंटीबॉडी आर कंप्लीटली क्या होते हैं भाई, कंप्लीटली प्रेसिपिटेट या एग्रीगेट कह सकते हो, कंप्लीटली प्रेसिपिटेट एंड नो अनकंबाइंड एंड नो अन कंबाइंड एंटीजन एंड एंटीबॉडी, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या होते हैं, अनकंबाइंड एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर प्रेजेंट, मतलब दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड नो अनकंबाइंड एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट। तो बी वाले में मैं इससे पहले बता चुका कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, लगभग 1:1, दोनों लगभग क्या हो रहे थे, सेम हो रहे थे। तो अ जोन ऑफ इक्विवेलेंस, जोन ऑफ इक्विवेलेंस मतलब ये वाला जो पोर्शन है, जो तीन जोन बनते हैं, पहले जोन में एसएस ऑफ एंटीबॉडी प्रेसिपिटेशन लो हो गया, इक्विवेलेंस जोन में का मतलब ये होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का अमाउंट लगभग क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, सबसे हाई होता है या मोस्टली मोर, सबसे ज्यादा, अभी लिखा कि कंप्लीटली प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन कैसा होगा, कंप्लीटली प्रेसिपिटेशन होगा, और कोई भी अनकंबाइंड न तो एंटीजन पाया जाएगा न तो एंटीबॉडी, ओके। ये यहां से भी आप समझ सकते हैं, दूसरा इस प्लॉट से भी समझ सकते हैं। तीसरा की अगर हम बात करें तो थर्ड जोन बनता है वो होता है आप लोगों का जोन ऑफ एंटीजन, जोन ऑफ, थर्ड जोन में क्या था भाई, एंटीजन एक्सेस था, एंटीजन एक्सेस किसमें, सी वाले प्लॉट में, इन इन विच आर, उसमें कौन से जुड़ जा रहे भाई, एंटीबॉडी, इन विच आर एंटीबॉडी है, आर एंटीबॉडी है कंबाइंड, सभी एंटीबॉडी क्या होते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, कंबाइंड विथ आर एंटीबॉडी हैज कंबाइंड विथ एंटीजन, एंटीजन के साथ क्या है, कंबाइंड है, ओके, एंड सम, एंड सम एंटीजन अनकंबाइंड, अन और कुछ एंटीजन क्या होते हैं, अनकंबाइंड होते हैं, ओके। क्या मिला, और जो थर्ड जोन में सी की हम बात करते हैं, इस जोन में क्या है, एक्सेस क्या होते हैं एंटीजन, जैसे यहां देखो 4:1, आई मीन सॉरी 4:1 की बात आया था, एंटीबॉडी 1 है तो एंटीजन तो उसका जस्ट दुगना है। तो ऐसे केस में जो प्रेसिपिटेशन होगा, जो कॉम्बिनेशन होगा, जो कंबाइंड होंगे, तो उसमें क्या होगा, जितना भी एंटीबॉडी होगा वो टोटली कंबाइंड हो जाएगा, लेकिन जो एंटीजन होते हैं वे क्या रहेंगे, फ्री। तो थर्ड जोन में या थर्ड पार्ट की अगर हम यहां बात करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या होता है आपका, एंटीजन एक्सेस होते हैं, अनकंबाइंड एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, अनकंबाइंड एंटीबॉडी, और ये क्या होता है, सबसे फेवरेबल, इसमें दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए मोस्ट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये तो रहा आप लोगों का कि कैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, जिसमें मैंने आपको लिक्विड मीडियम इन द प्रेसिपिटेशन, कोई भी लिक्विड मीडियम है उसमें प्रेसिपिटेशन कैसे होगा उसका ये प्लॉट रहा, ओके। मैंने उसको आप लोगों को टेबल के माध्यम से बताया कि ये कैसे
एक ट्यूब के माध्यम से मैंने वहां रिएक्शन बता दिया आपको, यहां पर मैंने अलग अलग ट्यूब, तीन ट्यूब लेकर के तीनों ट्यूब में तीनों अलग अलग रेशियो में एंटीजन एंटीबॉडी को लिया और उनको रिएक्ट कराया और फिर वहां देखा कि क्या रिएक्शन बनता है, किसी में एंटीबॉडी एक्सेस हो रहा है, किसी में एंटीजन हो रहा है, तो कोई वेल ग्रुप्स हो रहा है, तब जब उसका प्रपोर्शन सेम है, सेम प्रपोर्शन की बात आती है, 1.5:1 समथिंग सेम की बात है, तो वहां पर मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होगा। इसी तीनों को अगर हम प्लॉट पर प्लॉट वगैरह कर्व को प्लॉट करें तो हमको आपको देखेंगे तीन प्लॉट दिख रहा है, तीन जोन दिखता है, जो जोन ए है ये एंटीबॉडी एक्सेस होता है, प्रेसिपिटेशन लो होता है, यहाँ पर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंस जोन में क्या होते हैं पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट होता है, इमोशनल रिएक्शन अच्छा सबसे बेस्ट रिएक्शन यहाँ पर होता है क्योंकि बोथ आर इक्वल और इसमें क्या होता है एंटीजन एक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पर नोट देखो फ्री एंटीजन, इसमें फ्री एंटीजन है, यहाँ पर फ्री प्लस कॉम्प्लेक्स एंटीजन होते हैं। ओके, जब इनकी बाइंडिंग होती है एक्सेस, जितने फ्री एंटीजन होते हैं वे बाइंड हो गए, यहाँ पर क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स के बाद ये बनना। तो इसमें याद रखना कि ये अमाउंट है एंटीजन को हम लोग लिए, ये वाला ग्राफ एंटीजन का हुआ, ये लाइन एंटीजन की बात आया और ये लाइन आया प्रेसिपिटेशन, ध्यान देना प्रेसिपिटेशन मिलीग्राम प्रोटीन, ये सीरम है सोहल का प्रोटीन होगा, तो प्रेसिपिटेशन एक प्रोटीन और ये आपका एंटीजन की बात हुआ कि किस तरीके से इनका रिएक्शन होता है और कैसे इनको हम लोग प्लाट को ग्राफ करते हैं, ऐसा कर्व को कैसे इसको प्लाट करते हैं। ठीक, इसके बाद की जो टॉपिक आएगा वो है आप लोगों का मैग्नीजम ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मैग्नीजम होता कैसे, अभी तो आपने कर्व बना लिया, अब आप ये पढ़ेंगे कि ये कैसे हो रहा है, ये रिएक्शन कैसे होता है, कौन से फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ेंगे और इसी के बाद आप लोगों का इसी चलेगा कि कौन कौन से प्रेसिपिटेशन टेस्ट जो आप लोगों सिलेबस में दिए गए हैं, सर्वे टेस्ट प्रिपरेशन ये सब आप लोगों को पढ़ने मिलेगा, लर्निंग टेस्ट और मीडिया। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आप लोगों का मैग्नीजम ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।